हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भूगोल में जो 1500 से लगभग 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उस श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था नदियों के बारे में, नदियों का ज्ञान हम लोगों ने अर्जित किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कौन सी नदी का जो है ना एंड पॉइंट क्या होता है, कौन सी नदी आपको कहाँ से, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि बहुत सारी नदियां कौन से शहर के किनारे, आपको जो है ना कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग हमारे पास पहला आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो भारत में किसका नहीं है, तो हम लोग इसका उत्तर क्या होगा, सतलज हो जाएगा। सतलज का हमने बताया था तिब्बत के पास एक आपको मानसरोवर झील है। कौन सा? तिब्बत में आपको मानसरोवर झील है, वहां पे जो है ना आपको इसका उद्गम स्थल है सतलज का। बाकी सारी जो नदियां हैं, चाहे भारत ब्यास हो, चाहे रावी हो, चाहे चिनाब हो, इन तीनों नदियों का जो है ना आपको उद्गम स्थल जो है ना आपको भारत में है। लेकिन आपको ये जो आपको सतलज नदी है, इस सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में ना होकर तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है, ठीक है? तो इसका ओरिजिन पॉइंट आपको तिब्बत में है, ना कि भारत में। तो ये सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है। तो कपिली, ये सब गंडक, कोसी, गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे के सारे जो है ना गंगा नदी के सहायक नदी है, ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ना गंडक, कोसी, ये सब किसके हैं, आपको गंगा के सहायक हैं। तो पूछ रहा कि कपिली किसका सहायक है, तो कपिली जो है ना आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो है ना ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो है ना उप नदी है, जिसका नाम क्या है, कपिली है, ठीक है? गंगा के आप लोगों ने सहायक नदी देखा ही है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है ना आपको गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। गंगा में ही जाके जो है ना यमुना आपको मिल जाती है। आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो इलाहाबाद आपको प्रयागराज में स्थित है। तो गंगा नदी भी जो है ना आपको किसमें मिल जाती है, सॉरी, यमुना नदी भी जो है किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से आपको गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो यमुना हो जाएगी। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ लिस्ट दिए गए हैं, जोड़ियां मिलाना है, इसमें मैच करना है। तो हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि एक तरफ नदी, दूसरे तरफ आपको सहायक नदियां दी हुई है। तो गंगा की, गंगा सोन जो है ना आपको किसकी सहायक नदी है, गंगा की। सोन जो है ना आपको किसकी, सोन नदी जो है ना किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी मैंने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है? जो कि आपको जाके आपको सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी क्या हो जाएगा आपको, गंगा की सहायक नदी, सही है, ठीक है? मतलब ए का क्या हो जाएगा, चार, ए का चार, मतलब दो ऑप्शन कट जाता है हमारे पास। अब ऑप्शन बचा है पहला और लास्ट वाला, ठीक है? केन, चंबल, केन, बेतवा, ये सब जो है ना सबके सब जो है ना यमुना नदी की जो है ना सहायक है। चंबल, केन, बेतवा, ये सबकी सब किसकी सहायक नदी है, आपको यमुना की सहायक नदी है। तो हम लोग इसका डी का क्या हो जाएगा, आपको सेकंड हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, सेकंड, मतलब पहला भी कट जाता है, दूसरा भी, अब से मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जिसमें हम लोगों ने सी को पहले ही जो है ना कैंसिल कर दिया है, इसलिए ऐसे ही पता चल जाता है कि हमारा उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि तीन को हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी काट चुका था। तो इस तरह से ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, और चौथा आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो गंगा की सहायक, सोन की सहायक नदी कौन सी है, सॉरी, गंगा की सहायक नदी सोन, यमुना की सहायक नदी चंबल, केन, बेतवा, ये सारी के सारी जो है ना यमुना की सहायक नदी है। दो ही ऑप्शन से पता चल गया है हमें, लेकिन आगे भी जो है ना हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी में जो है ना इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बी, गोदावरी। गोदावरी जो है वो उस मंजीरा जो है ना आपको गोदावरी के सहायक नदी है। मंजीरा किसकी सहायक नदी है, आपको गोदावरी की। और भीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भीमा, भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, भीमा कृष्णा की। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भीम और कृष्ण, ये सब जो है ना आपको महाभारत के जो आपको
जो पात्र थे वैसे भी याद कर सकते हैं, दोनों के दोनों जो है ना महाभारत के पात्र हैं, आपको कृष्ण भगवान और उसके साथ साथ भीम भी जो है ना आपको महाभारत का ही पात्र था, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भीमा जो है ना वो कृष्णा नदी की सहायक, ठीक है, भीमा किसकी सहायक है, कृष्णा की सहायक है, तो ये हो गया आपको भीमा कृष्णा, भीम जो है ना कृष्णा नदी की सहायक है। आपको मंजीरा हमने बताया, आपको गोदावरी नदी की सहायक कौन सी है, मंजीरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, पता ही था आपको। सोन जो है ना आपको किसकी है, गंगा की सहायक, आपको यमुना की सहायक जो है ना चंबल केन बेतवा ये सारे के सारे यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अभी ये भी हमने बताया कि आपको भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमने इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो मध्य प्रदेश से कौन सी निकलती नदी निकलती है, तो माही नदी जो है ना आपको मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। मैंने बताया था कि आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो है ना पश्चिम से पूर्व, ये इधर आपको क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा, ये इधर आपको पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से पूर्व बहने वाली जो है ना नदियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों की संख्या क्या है आपको, कम है। तो पूर्व से पश्चिम बहने वाली मैंने बताया था नर्मदा और ताप्ती, दोनों के दोनों मध्य प्रदेश से निकलती थी, ये माही नदी भी जो है ना आपको मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और ये माही नदी, माही, नर्मदा और ताप्ती ये तीनों के तीनों जो है ना आपको मध्य प्रदेश से निकलती है, और तीनों की तीनों नदियां आपको जो है ना पूर्व से किधर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, माही, नर्मदा और ताप्ती, महानदी नहीं, माही, माही, नर्मदा और ताप्ती जो है ना आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, और ये आपको मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंभात की खाड़ी में अरेबियन सी में तीनों नदियां अरब सागर में मिल जाती हैं, किधर, तीनों की तीनों नदियां अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो माही नदी भी जो है ना आपको ये आपको मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात की ओर जो है ना एमपी से जो है ना आपको गुजरात की ओर बहते हुए आपको कहाँ पे चली जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में आपको ये नदी आपको गिर जाती है। तो ये जो है आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माही हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी आपको जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है माही, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बारे में हमने पहले भी बताया था कि ये दोनों नदियां इस्टुअरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो अधिकतर नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ये नर्मदा और ताप्ती जो है ना सबसे पहली बात की पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और दूसरी बात की ये एस्चुअरी बनाती है, ठीक है, आपको ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास जो है फिर से अगला क्वेश्चन है, सभी नदियों का जो है ना उद्गम स्थान के बारे में बात किया गया है, तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, तो इसमें ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है ना कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, कावेरी नदी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है ना आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। झेलम नदी जो है ना आपको आपको वेरीनाग झील से निकलती है, झेलम नदी कौन से जो है ना झील से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है, वेरीनाग जो लेक है, वेरीनाग जो झील है वो आपको उससे निकलती है, कौन सी नदी, झेलम नदी। कृष्णा नदी जो है ना आपको महाबलेश्वर से निकलती है, सब सामने सामने दिया हुआ है, कृष्णा नदी आपको महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है ना आपको महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, क्या है आपको, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है। और स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में बहती है ये आपको जो है ना छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है सुवर्ण रेखा भी कहते हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सभी के सभी लाइन से दिए हुए, मतलब ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार, 1 2 3 4 ऑप्शन बी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। हमने देखा कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है ना वहां से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी, मतलब कावेरी का उद्गम स्थान क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, झेलम का वेरीनाग झील, झेलम का वेरीनाग झील, आपको कृष्णा का महाबलेश्वर, क्या
कृष्णा का महाबलेश्वर से निकलती है आपको, ठीक है, और इस तरह से आपको स्वर्ण रेखा नदी जो है ना आपको छोटा नागपुर के प्रकार से निकलती है, ठीक है। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे जो है ना सबसे बड़ा शहर जो है ना आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है ना, मतलब क्षेत्रफल कौन से शहर का सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा एरिया किसका है जो कि गंगा, तो गंगा नदी के किनारे तो बनारस भी गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, पटना भी गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद प्रयागराज जिसे आज हम नाम से जानते हैं, तो ये और उसके साथ साथ कानपुर, ये सारी की सारी नदियां, सब सारे के सारे शहर जो हैं वो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर क्या है हमारा, कानपुर है। ये चारों के चारों जो है ना आपको शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे पटना हो, ये सारे के सारे जो है ना आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है शहर, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो है ना कानपुर है। लेकिन कौन से शहर का सबसे ज्यादा जो है ना जनसंख्या है, तो इलाहाबाद का जनसंख्या सबसे ज्यादा है आपको इन शहरों में जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है आपको, इलाहाबाद का है, इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको जो गंगा नदी के किनारे जो शहर स्थित नहीं है उसका नाम बताना है। तो फतेहपुर जो है ना गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, लेकिन उत्तरकाशी जो है ना वो आपको गंगा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, उत्तरकाशी जो है ना वो आपको गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, फतेहपुर भी है, भागलपुर, कानपुर, ये तीनों के तीनों आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो आपको गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही, गोरखपुर जो है ना आपको राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद जबलपुर आपको जो है ना नर्मदा की नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर जो है ना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे आपको जो है ना एक भेड़ा घाट जो है ना वाटरफॉल भी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, भेड़ा घाट वाटरफॉल, ठीक है, भेड़ा घाट जो जलप्रपात है ये जो जबलपुर में ही है, नर्मदा नदी पर ही स्थित है, तो आपको जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, आपको गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, सूरत तो आप लोग को पता ही होगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा स्थित नहीं है, तो लुधियाना आपको पता है सतलज नदी के किनारे स्थित है, लुधियाना जो कि पंजाब का जो है ना, ठीक है, एक शहर है, वो आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित नहीं है, रावी नदी के किनारे लाहौर स्थित है, रावी नदी के किनारे कौन है, लाहौर, लाहौर जो है ना पाकिस्तान का वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, लुधियाना जो कि रावी नदी के किनारे स्थित नहीं है, क्योंकि पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको लुधियाना जो है ना सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हम लोगों ने देखा सूरत आपको ताप्ती नदी के किनारे है, गोरखपुर जहां से आपके सांसद रह चुके हैं, आपको ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको योगी आदित्यनाथ, वो आपको जो है ना गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, जो स्थित नहीं है तो लुधियाना जो है ना आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है, इसलिए आपको क्या है गलत मिलाया होगा, यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो आपको गोरखपुर अभी जस्ट देखा राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है, गोरखपुर राप्ती, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे सही है, ठीक है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बिल्कुल सही है, तो लुधियाना अरे सेम क्वेश्चन आ गया आपको, रिपीट हो गया, तो लुधियाना जो है ना आपको सतलज नदी के किनारे जो है ना आपको स्थित है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, ये आपको ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा गलत है हमारे पास देखना है, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही, ये भी सही, सूरत अभी जस्ट देखा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती और राप्ती में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा, सूरत ठीक है, लास्ट में त आ रहा है तो यहाँ पे भी त से स्टार्ट हो जा रहा है, सूरत ताप्ती, गोरखपुर राप्ती, वाओ देखिए अभी ट्रिक आ गया, गोरखपुर
गोरखपुर, यहाँ पे इंड में क्या आ रहा है र, तो इसका नदी का नाम भी किससे स्टार्ट हो रहा है, र से, राप्ती। और आपको सूरत के एंड में क्या आ रहा है आपको, त, तो इसका स्टार्ट नदी का नाम भी किससे स्टार्ट हो रहा है आपको, त से, ठीक है। तो ताप्ती, सूरत ताप्ती, गोरखपुर इंड में यहाँ पे र आ रहा है तो राप्ती, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ये भी सुमेलिक है। भुवनेश्वर जो है ना आपको महानदी की है, कटक जो है ना महानदी के किनारे स्थित है, लेकिन आपको भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित नहीं है। भुवनेश्वर जो है ना एक कुआखाई नदी है उसके किनारे स्थित है, ठीक है। आपको कुआखाई नदी के किनारे स्थित है तो ये आपको गलत हो जाता है। ये सब याद कर, कोटा जो है ना आपको चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। आपको जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, इन सब सारी चीजों को जो है ना याद कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, बिल्कुल सही। हैदराबाद आपको कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैदराबाद मुसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किसके किनारे है, आपको मुसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, ठीक है। कोटा चंबल नदी के किनारे, सही। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र का जो है ना आपको शहर है नासिक, ये भी जो है ना आपको गोदावरी नदी के, सही, बिल्कुल सही है। कोटा चंबल नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, हैदराबाद जो है ना आपको मूसी नदी के किनारे है, इसलिए आपको ये गलत हो जाएगा। कृष्णा नदी के किनारे नहीं है हैदराबाद, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जोड़ी सही नहीं मिलाया हुआ है। अहमदाबाद साबरमती, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद के साबरमती जो है ना, उन्होंने आश्रम का भी स्थापना यहीं पे किया था गांधी जी ने, जिसको साबरमती आश्रम कहते थे। तो ये जो है ना अहमदाबाद का जो है साबरमती, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। हैदराबाद आपको कृष्णा नदी के किनारे नहीं बल्कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कटक, कटक महानदी के किनारे है, ठीक है। यहीं पे आपको जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में ही, ठीक है। तो ये आपको कटक में, आपको सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, आई थिंक 1897 में हुआ था, 1897 में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। तो आपको सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी जो है ना कटक में ही हुआ था। ये महानदी, महानदी की अगर बात करूं तो ये जो है ना आपको कटक शहर जो है ना आपको महानदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो है ना आपको अभी जस्ट बताया था, जो सतलज नदी के किनारे है। उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन जो महाकाल के लिए प्रसिद्ध है, महाकालेश्वर मंदिर है, ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक क्या है, गोदावरी नदी के किनारे है। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों जोड़े को मिला लिया, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। कटक महानदी, लुधियाना सतलज नदी, नासिक गोदावरी नदी और उज्जैन क्षिप्रा नदी, ठीक है। इस तरह से जोड़ी मिला लीजिए, कौन सा होगा सही। कटक का मैंने क्या बताया, महानदी ए का 3, मतलब ए सी और डी, तो आपको ऐसे ही चला जाता है ऑप्शन हमारे पास से, ए और बी बचता है। लुधियाना मतलब जो है ना सतलज नदी, बी का क्या होगा 4, मतलब हमारे पास केवल ऑप्शन एक बचता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास उज्जैन कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो आपको जस्ट बताया अभी कि उज्जैन जो मध्य प्रदेश के महाकाल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वो आपको क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है आपको उज्जैन, ठीक है। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जबलपुर नर्मदा जो आ रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं। ऐसे जो है रम बनाने में सुविधा होता है, जो आप लोग को आता है पहले। उज्जैन जो है ना छिपरा नदी के किनारे, सी का 2 और डी का 3, सी का 2 और डी का 3, मतलब आपको सी का 2 बस जो है ना ए ऑप्शन में है और बी में है, बाकी दोनों ऑप्शन जो है ना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। बैतुल वहीं से निकलती है ताप्ती नदी, बैतूल से कौन सी नदी निकलती है आपको, तो ए का क्या होगा आपको 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी ए वाला कट जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, क्योंकि बैतूल जो है ना आपको बैतूल से ही निकलती है आपको ताप्ती नदी, बैतूल के मुलताई से निकलती है ताप्ती नदी, तो क्या हो जाएगा ये सही, बैतूल से क्या हो जाएगा आपको ताप्ती नदी निकलती है, ठीक
जबलपुर जो है ना आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन जो है छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो जो बचा जगदलपुर वो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित होगा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे जगदलपुर जो है ना आपको ये किस नदी के किनारे स्थित है, इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास जो है ना पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, पंढरपुर जो है ना आपको चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। हम्पी, हम्पी जो है ना आपको मालप्रभा नहीं तुंगभद्रा नदी के, विजयनगर का जो एक साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या है, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य है वो कर्नाटक का एक शहर है जिसको हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य का जो है ना जिसकी स्थापना 1336 में आपको हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का संगम राजवंश के थे, संगम राजवंश, ठीक है, संगम वंश से संबंधित है। ये 1336 में हरिहर और बुक्का ने आपको इसका स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का, जिसकी राजधानी हम्पी थी। ये हम्पी जो है ना तुंगभद्रा नदी के किनारे है, किसके नदी किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तो इसलिए आपको ये जो है ना जोड़ी गलत हो जाएगा। तो जिस जिस ऑप्शन में तीन है ये अगर आपको पता होता तो पूरे काट देती है, दोनों पता नहीं होता तब भी। हम्पी जो है ना आपको आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इसमें मालप्रभा क्या हुआ, इसलिए तीसरा वाला गलत है ऑप्शन। तीन जिस जिस में आ रहा है इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, कट हो गया, मतलब पहला और दूसरा क्या है सही है, पंढरपुर जो है ना चंद्रभागा नदी के किनारे और तिरुचिरापल्ली आपको कावेरी नदी के किनारे है, ठीक है। हम्पी जो है ना वो आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, न कि मालप्रभा। हमारे पास जो है ना कुछ जलप्रपात है उसको देखते हैं। तो जोक और गढ़सोपा जो जलप्रपात है वो सरावती नदी के किनारे है, सरावती नदी पे है आपको कर्नाटक राज्य में। जोग गढ़सोपा जलप्रपात जो है, जोग या गढ़सोपा नाम से भी जाना जाता है, तो जोग या गढ़सोपा जलप्रपात सरावती नदी पे है कर्नाटक में, सरावती नदी कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात का आपको जो है ना ये भी कर्नाटक में, लेकिन कावेरी नदी पे, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे आपको कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे आपको जो है ना हुंडरू जलप्रपात रांची में देखने को मिलता है, झारखंड में है, रांची में देखने को मिलता है, झारखंड में आपको हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे रांची में झारखंड में स्थित है। कपिल धारा नर्मदा नदी पे आपको है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला है उसमें आपको जो है ना स्थित है आपको कपिल धारा, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपको, जो आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार नर्मदा नदी पर जबलपुर में, जिसको भेड़ाघाट के नाम से भी जानते हैं, तो धुआंधार जलप्रपात जो है ना आपको मध्य प्रदेश में जबलपुर में, आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार, ठीक है। धारा धार ऐसे भी आपको आए तो आप लोग क्या लगा दीजिएगा, जब मध्य प्रदेश में आपको जो है ना धारा वाला जो जलप्रपात है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक दो और वैसे हो सकता है कि जो किसी और स्टेट में हो, लेकिन धारा धार टाइप से आए तो मध्य प्रदेश लगा दीजिएगा। आपको चित्रकूट जो है ना इंद्रावती नदी पर स्थित है, ये बस्तर के छत्तीसगढ़ में आता है, और दूध सागर मांडवी नदी पर, मांडवी नदी कहाँ पे है, गोवा में है, मांडवी नदी कहाँ पे है, गोवा में है, तो दूध सागर भी आपको जो है ना गोवा में, आपको ये दूध सागर जो वाटरफॉल है, दूध सागर का जो जलप्रपात है वो आपको मांडवी नदी पर है गोवा में है, दूध सागर वाटरफॉल मांडवी नदी पर गोवा में। हुंडरू जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो कहां पे है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा स्वर्ण रेखा नदी पे, कहां पे, स्वर्ण रेखा नदी पे है हुंडरू जलप्रपात, वो आपको झारखंड के रांची में है हुंडरू जलप्रपात, झारखंड के रांची में हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर ये जलप्रपात है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपको किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको कावेरी नदी पर जो है ना आपको शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। जोग या गढ़सोपा जो आपको जलप्रपात था वो सरावती नदी पर था, जोग गढ़सोपा जो था वो आपको सरावती नदी पर स्थित है, आपको जोग या गढ़सोपा, ठीक है, सरावती नदी। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जोड़ी मिलाने का, फिर से आ गया है।
तो देखना है कि आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। कुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची में, ठीक है, बिल्कुल सही। चचई जलप्रपात बिहार नदी मध्य प्रदेश में है, ये चचई जलप्रपात बिहार नदी, चचई जलप्रपात ये जो है ना मध्य प्रदेश में बिहार नदी पे, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर, ठीक है, जबलपुर में है। और आपको बूढ़ा घाट प्रपात ये बूढ़ा नदी पे है, बूढ़ा घाट जो है आपको कहाँ पे है, झारखंड में बूढ़ा नदी पे, झारखंड में आपको बूढ़ा नदी है, वही बूढ़ा जो है ना जलप्रपात कहाँ पे है आपको, झारखंड के बूढ़ा नदी पर, कांची नदी पे नहीं है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, बी वाला हो जाएगा। ये जो है ना आपको ये सही जोड़ी मिलाए हुए है, ये वाला आपको गलत जोड़ी मिलाया हुआ है। बूढ़ा जलप्रपात बूढ़ा नदी पे है जो कि झारखंड में है, ठीक है, ये सब बाकी पता ही है। धुआंधार नर्मदा चचई बिहार नदी पे है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में। और हिंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है, झारखंड में रांची में। हमारे पास फिर से जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन से आपको जो है ना चार आपको जो है ना आपको क्वेश्चन बन जाते हैं, जिससे आपको चार क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। इसलिए जोड़ी मिलाने वाला ज्यादा सही है आप लोगों को याद करने के हिसाब से, ठीक है। आपको दिया दूध सागर, ठीक है, दूध सागर मांडवी नदी, मांडवी गोवा, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा, ए का चार मतलब सी और डी ऑप्शन कट जाता है। अब ए और बी में बचा है जोगियागर्सो का सरावती नदी पर बताया था, जोगियागर्सो का हमने कहाँ बताया था, सरावती नदी पे बताया था। तो डी का क्या होगा, तीन होगा, तो डी का तीन बस केवल और केवल अब इन दोनों में एक में बसता है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि दूध सागर जो है ना आपको मांडवी नदी, ठीक है, दूध सागर कहाँ कौन से जो है ना नदी पे है, मांडवी नदी पे जो कि आपको गोवा में है। जोग गर्सोपा आपको कर्नाटक में सरावती नदी पर, जोग गर्सोपा कहाँ पे है आपको कर्नाटक में सरावती नदी पर। और डुडुमा जो है ना वो मचकुंड, डुडुमा जो है ना आपको जलप्रपात मचकुंड नदी पर है। और गोकक जो है ना आपको घाट प्रभा नदी पर है, गोकक जलप्रपात कहाँ पे है, घाट प्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोकक घाट प्रभा आपको, गोकक जो है ना आपको जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो मैंने नर्मदा नदी पर जो है ना वैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये दुग्ध धारा, दूध सागर कहाँ पे है, मांडवी नदी, दूध सागर और दुग्ध धारा आ गया, कपिल धारा आ गया, तो ये सत्य सब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है। कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट मैंने जबलपुर में अभी बताया ही, तो ये और धुआंधार ये सबके सब जो है ना आपको कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में आपको नर्मदा नदी पर ये सारे जलप्रपात स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, भेड़ा घाट, तो भालकुंड जो है ना वो आपको नर्मदा नदी पर नहीं स्थित है, भालकुंड जो है ना नर्मदा नदी पर स्थित है, नहीं है जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है उसका नाम है आपको जोगियागर्सोपा जलप्रपात। ये जो सबसे बड़ा जलप्रपात है चौड़ाई की दृष्टि से है, ऊंचाई की दृष्टि से नहीं है, सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से आपको जो है ना सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ना जोगियागर्सोपा है कर्नाटक में, जोगियागर्सोपा ये आपको कर्नाटक में सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि चौड़ाई की दृष्टि से वो सरावती नदी पर है। कौन से नदी पे है आपको, सरावती नदी पर। ऊंचाई की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल है, ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल है। तो हम लोगों ने देखा सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से जो है वो जोगियागर्सोपा कहाँ पे है, तो सरावती नदी पर स्थित है, ये कर्नाटक में है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना वो कुंचिकल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना आपको भारत का कुंचिकल है। अब हम लोगों ने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जोड़ी मिलाने वाला है, शिव समुद्रम जलप्रपात को अभी जस्ट हम लोग देखे। अच्छा, जोड़ी कौन सुमेलित नहीं है, ये हमारे पास चुलिया चंबल नदी पर, बिल्कुल सही है, चुलिया चंबल ऐसे याद कर लीजिए, चुलिया चंबल नदी पे है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है आपको, चंबल नदी पे है। जोग आपको जोग गर्सोपा जो है ना आपको कहाँ पे है, कृष्णा पे है क्या, जोग गर्सोपा जलप्रपात नहीं, सरावती नदी पे है जोग गर्सोपा, जोग गर्सोपा जलप्रपात कर्नाटक में आपको सरावती नदी पर है, कर्नाटक में आपको कौन से नदी पर है, सरावती नदी पर है। तो यही वाला सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये जोड़ी गलत मिलाया हुआ है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ठीक है, धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात
तो ये जो है भेड़ाघाट में जो है ना आपको धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर जबलपुर में, शिव समुद्रम आपको कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही है, शिव समुद्रम कहाँ पे है, कावेरी नदी पर, ये सारे के सारे सही है। चुलिया चंबल बिल्कुल सही है। जोग गर्सोपा जो है ना वो आपको कहाँ पे है, सरावती पे। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में गोवा में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो गोवा में आपको दूध सागर जलप्रपात स्थित है, गोवा में मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर आपको कौन सा, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, गोवा में दूध सागर। लेकिन अगर दुग्ध धारा रहेगा तो आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, ठीक है। दूध सागर अगर है तो आपको मांडवी गोवा में। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो भेड़ाघाट पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, भेड़ाघाट पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के आपको भेड़ाघाट पर जो है ना कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो धुआंधार है, नर्मदा नदी पर। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई, तो ये कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, भारत की सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात। लेकिन अगर जो है ना भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा चौड़ाई की दृष्टि से, तो जोग या गर्सोपा है, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं, वेम्बनाड झील, ये जो वेम्बनाड झील है वो केरल में है। वेम्बनाड झील इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में, वेम्बनाड झील केरल में आपको है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, खारे पानी की, सोल्टी वाटर है जिसका, सलाइन वाटर है, सोल्टी वाटर लेक जो है ना आपको, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, चिल्का झील उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा जो है ना खारे पानी का झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। लेकिन अगर पूछे खारे पानी का कौन सा है, चिल्का, लेकिन सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील जो है ना आपको सबसे बड़ा वुलर है, ठीक है। ये कहाँ पे है आपको, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जो है ना खारे पानी का झील जो है ना चिल्का है, और आप सब मीठा पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो है ना आपको गलत है, ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है, तो लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल सही, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, लोकटक झील जो है ना आपको मणिपुर में है। लोकटक झील कोलेरू, जो कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में नहीं है, कहाँ पे है आपको, आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू झील है, ठीक है। उदय सागर और डिंडवाना दोनों के दोनों आपको राजस्थान में है, दोनों के दोनों कहाँ पे है आपको, उदय सागर और डिंडवाना दोनों के दोनों राजस्थान में झील है। तो पूछ रहा था कौन सा ये तीनों के तीनों क्या थे, जोड़ी गलत था, तो कौन सा ये लोकटक झील जो है मणिपुर में है, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, कौन जो है ना दो जो है ना भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो पुलिकट जो झील है वो आपको तमिलनाडु और उसके साथ साथ आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो है ना अवस्थित है, उस झील का नाम है पुलिकट झील, ठीक है। तो कौन दो राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है, तमिलनाडु और उसके साथ साथ जो है ना आपको आंध्र प्रदेश की जो है ना सीमा पर स्थित है। तो वैसे अगर जो है ना जनरली आपको पूछेगा कि आपको पुलिकट झील कौन से राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पे है, जो ऑप्शन दोनों में रहेगा आपको जनरली तमिलनाडु देता है तो तमिलनाडु लगा दीजिएगा, अगर आंध्र प्रदेश देगा तो आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा। वैसे ये झील दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, पुलिकट, ठीक है। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्बनाड अभी जस्ट देखा केरल में, बिल्कुल सही है, ठीक है। लोकटक झील में, लोकटक झील मेघालय में नहीं मणिपुर में है, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है, तो कौन सुमेलित नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोकटक जो है ना मेघालय में नहीं, मणिपुर। डल झील कश्मीर, बिल्कुल सही। पुलिकट झील अभी जस्ट हमने बताया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और जो है, आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत के निम्न में से कौन सा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो अचार झील जो है ना, अचार झील वो आपको जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब जैसे भी याद करना है, अचार खाने जम्मू कश्मीर चले जाइए, जैसे भी याद करना है आपको याद कर सकते हैं। तो अचार झील कहाँ पे है,
जम्मू कश्मीर में है। अचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का पूछा था कि कौन सा झील है, तो जम्मू कश्मीर में अचार झील है। ठीक है, ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे जो है ना, हम लोगों ने आज क्वेश्चन करे, याद करते चलिएगा प्लीज, बार बार वीडियो को देखिएगा। अष्टमुदी, अष्टमुदी जो है ना, ध्यान से समझते चलिएगा। सूरज कुंड हरियाणा, सूरज कुंड हरियाणा, सूरज कुंड जो है ना आपको हरियाणा में है। ठीक है, तमिलनाडु, मैंने बोला ही था आपको पुलिकट तमिलनाडु, ये जो आपको पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलिकट का जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तमिलनाडु हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अष्टमुदी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना अष्टमुदी की अगर बात करूं, ये केरल, केरल में जो है ना दो झीलें हैं, एक अष्टमुदी है एक वेम्बनाद है। अष्टमुदी और आपको जो है ना वेम्बनाद, दोनों के दोनों जो है ना आपको कहाँ पे है? केरल में स्थित है। तो ये अष्टमुदी का क्या हो जाएगा आपको? केरल। ठीक है, पुलिकट कहाँ? तमिलनाडु। तो रूपकुंड जो है ना आपको उत्तराखंड में, रूपकुंड कहाँ पे है आपको? उत्तराखंड में है। अष्टमुदी याद कर लीजिए केरल, ठीक है, पुलिकट तमिलनाडु, सूरज कुंड हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप कुंड आपको जो लास्ट वाला बचा वो आपको उत्तराखंड में स्थित है। इस तरह से जोड़ी आप मिला सकते हैं। ठीक है, ए का अष्टमुदी का केरल, बी दो, तो यहाँ पे जो है ना ए का दो कौन सा में आ रहा है? ठीक है, ये तो गया, ये भी गया। पहला अगर आपको पता होता अष्टमुदी और वेम्बनाद जो कि केरल में है, तो यही हमारा बी क्या हो जाता? सही उत्तर। बी क्या हो जाता? सही उत्तर। पुलिकट जो है ना आपको तमिलनाडु, कंटिन्यू कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो आपको कोडई कनाल जो है ना आपको मानव निर्मित झील है, आपको कोडई कनाल जो है ना आपको कृत्रिम झील है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित आपको झील है। ये कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में ही है, कोलेरू वाला जो कोलेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, लेकिन हमारे पास स्पेशल कृत्रिम झील है। नैनीताल उत्तराखंड में, ये भी आपको उत्तराखंड में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में झील है, रेणुका कहाँ पे? आपको हिमाचल प्रदेश में ये झील है। लेकिन पूछा है कि आपको कौन कृत्रिम झील है, तो कोडई कनाल जो है तमिलनाडु का कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर का मुलर झील, तो ये जो है ना आपको सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपको, अब सबसे बड़ी जो है ना आपको झील खारे पानी की कौन सी है? तो उड़ीसा में है आपको, कौन सा? उड़ीसा का एक झील है जिसका नाम पता है क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आपको मुलर झील है, लेकिन खारे पानी की झील है जिसका नाम है उड़ीसा में चिल्का झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का। इस तरह से आज का क्लास इतना ही, आज का क्लास इसी पे खत्म होता है। धन्यवाद, वीडियो को देखते रहिएगा, पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी जिन जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।